है। तोहरा अखिया के तोहरा अखिया के कजरा ये जान झगड़ा कर देले बा, अच्छा भैया लोग, हम भोजपुरी बिरहा गायक प्रेम सागर सब भैयन के हाथ जोड़ के प्रणाम करता नहीं, और बड़ा ढेर दिन के बाद एक बिरहा आप लोगों के बीच में जा रहा बा बड़े भैया अजीत यादव जी के देखरेख में एमडी म्यूजिक के सौजन्य से। हमें आशा न उम्मीद बा कि आप लोग पसंद करिहन बाबूजी एक ऐसा भी रहा आप लोगों के बीच में प्रस्तुत है। 22 जुलाई 2022 को हमारे भारत की बिटिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को ताज पहना करके भारत की बेटी एक आदिवासी परिवार की बेटी बाबूजी ताज बांध करके जिस बिटिया का गौरव बढ़ाया गया, आइए हम लोग गीत के माध्यम से इनके संघर्षों पर थोड़ा ध्यान देते हैं, नजर देखते हैं, इनके जीवनी पर प्रकाश है। कैसे मोहन भैया आवा अरे कीचड़ से निकला कमल का सुमन, जिसके खुशबू से बन गम गमाने लगा, जल जंगल की जिसकी रही जिंदगी, सूखे उपवन छटा जब बिखरने लगा, आदिवासी बिहुल क्षेत्र में साथियों ऐसी देवी का पावन जन्म है सुहाना, गरीबी में पढ़ लिखी बनी राष्ट्रपति, मकर ध्वज कृति को गाता जमाना, कवि जी लिखते हैं हमारे मकरध्वज गुरु जी कि ऐसी देवी का पावन जन्म है सुहाना, अरे ऐसी देवी का पावन जन्म है सुहाना, गरीबी में पढ़ लिख बनी राष्ट्रपति, मकरध्वज कीर्ति को गाता जमाना। जरा सा सोचने वाली बात है बाबूजी, इस भारत की एक बेटी एक नारी अपना जीवन सर्वस्व गरीबी में जीवन बिताई और इतने बड़े मुकाम पर पहुंची
आज दुनिया उन्हें याद कर रही है। मोहन भैया एक लाइन कव्वाली का टुकड़ा बा, कौन कव्वाली का टुकड़ा है? अरे नैनों से हसीनों ने, अरे नैनों से हसीनों ने दीवाना बना डाला, नैनों से हसीनों ने डाली, जिस जिस पे नजर डाली मस्ताना बना डाली, जिस जिस पे नजर डाली मस्ताना बना डाली। अच्छा तो भैया इत कवाली के टुकड़ा बा, लेकिन कवि जी बिरहवा के अंदर लिखत हुन, कितना सुगर भाव बाई भैया, कैसे? भाव कवि जी लिखते हैं कि मालिक ने जिसे चाहा, अरे मालिक ने जिसे चाहा वो राजा बना डाले, मालिक ने जिसे चाह, मालिक ने जिसे चाह ओ राजा बना डाले, क्या बात है। तो मालिक ने जिसे चाह ओ राजा बना डाले, डाले राजा को भी मालिक ने, राजा को भी मालिक ने भिखारी बना डाला, राजा को भी मालिक ने। यही से हमारे कहानी का शुरुआत बा, कैसे मास्टर? कोई ना जान पाए आपकी क्या लीला है, अद्भुत है नात आप किसी को क्या मिला है, किसी को कचरा से पर्वत पर फेंक देते हो, किसी को पर्वत से खाई में छोड़ देते हो। कहानी का अकबा, उड़ीसा प्रांत में ऊपर बेड़ा गांव रहा, बिरंची मुर्म के पिता बेटी के छाव रहा, 20 जून 1958 में जन्म पाई है, पूरे परिवार में खुशी की लहर छाई है, अरविंद स्कूल से प्राइमरी पाठशाला है, अम्बले नंबर में वह द्रौपदी बाला है, रमाबाई भुवनेश्वर से एमए बीए तक, रमाबाई भुवनेश्वर से एमए बीए तक,
कार्य कोई करती थी हरदम साथ दिए लख पहाड़पुर के श्याम चरण मुर्मुसानी है पहाड़पुर के श्याम चरण मुर्मुसानी है प्रेम विवाह हुआ सुरु जिंदगानी है बाबूजी यही से हमारे कहानी की शुरुआत बा एकदम कहानी आप लोग साफ साफ समझी रहे हुआ सबे उड़ीसा प्रांत मयूरभंज गांव के रहने वाले बाबूजी जिले का नाम बैदापोसी वही के रहने वाले बिरैची नारायण जी बाबूजी बड़ा सुखी परिवार उनकर पूर्वज भी लोग नेतागिरी लाइन में रहलन लोग दादाजी बाबूजी भी प्रधान लोग रहलन राजनीति से बड़ा लगाव रहल लेकिन ये भैया आज बिरंची बाबूजी के एक बिटिया एक पुत्री जोने पुत्री जोने बिटिया का नाम द्रौपदी मुर्मू बतावल गले भैया बड़ा प्यार से नाम रखलन बिटिया भैया पढ़ लिख के आखिरकार सयानी भैलिन हर एक बाप के इच्छा होले दिल में कि अपने बिटिया की शादी कहीं धूमधाम से कर दी लेकिन बाबूजी आदिवासी परिवार में बिटिया जन्म ली है लेकिन एक श्याम चरण नाम का लड़का है प्रेम हुआ और शादी प्रेम विवाह संपन्न हुआ द्रौपदी मुर्मू जी अपने पति के घर आई है जब पति के घरे एली हन तो बिरहा में यहाँ एक लाइन गीत लगत है मास्टर कौन गीत बा देखा भैया बिरहा में गीत बा कैसे कोनो मेहरारू मेहरारू अपने मर्दे के जो हतिया तेल लगावे खातिर लेकिन मर्द भैये नहीं खे बड़ी दिक्कत भई उ तो देहरादून कमावत हवन लेकिन मेहरारू अपन तकलीफ बतावत है भैया कैसे बतावे दिलवा से भरल कटोरिया हो तलावा के कहे लगाई क्या बात है बहुत अच्छे लेकिन बिरावा के अंदर कवि जी भाव लिखत हवन द्रौपदी मुर्मू अपने पति के घर अइलिन प्रेम भी बाबा लेकिन पति गरीबी में जीवन बिता रहल है कहली कि उनके गरीबी में हमू अपन जीवन बिता ले लेकिन कभी जी लिखत हो का लिख गरीबी में बीते गरीबी में बीते मरिया हो पैदा भैली छोकरिया छोकरिया पदा भाई छोकरिया धीरे धीरे समय बीतत गई मालिक कृपा भइल आज द्रौपदी मुर्मू जी के कोख से एक बिटिया जन्म ले ले भैया लेकिन दोनों परानी के अब दिमाग में टेंशन बढ़त हो कि हमनी के दो पैसा ना कमाई तो कैसे जीवन चली
अब एक जीव से दू जीव भैली जा, अब दू जीव से तीन जीव भैली जा, तो घर परिवार कैसे चली। लेकिन आज द्रौपदी मुर्मू जी पढ़ी लिखी हैं, नौकरी खोज रही हैं, तब अरविंद स्कूलवा में टीचर बनी आई, अरविंद स्कूलवा में टीचर बनी आई, जीवन के नैया सहारा दिलल भाई, भैया अरविंद प्राथमिक विद्यालय स्कूल में उस पाठशाला में आखिरकार नौकरी करने लगी। धीरे धीरे समय बीतत गई, लेकिन एक दिन बड़ा दुखद बात, बड़ी दुखद घटना घटल का। अरे एक रोज बीमार भाई, एक रोज बीमार भाई, कुमरिया हो पैदा भैली छोकरिया, ए भैया आखिरकार एक दिन का बात बा, एक दिना का बात बा, द्रौपदी मुर्मू जी का जो बिटिया है बीमार पड़ ली भैया। आज जब बीमार पड़ ली है तो अचानक ए भैया उनकर मौत हो गई। पहला दुख परिवार में शुरू हो गल, आखिरकार रो रही बिलखत है कि आखिरकार हमरा से कौन ऐसा कसूर भइल भगवान, कौन ऐसा कसूर भइल भगवान कि आज हमरा साथी ऐसा दुख कर देला। भैया हो द्रौपदी मुर्मू जी रोवत हैं, बिलखत हैं, आज उनकर बिटिया दुनिया के छोड़ के चल गई। लेकिन विरहा में कभी जी लिखत हुआ, धीरे धीरे समय बीतल है भैल का, अरे 2010 शुरुआत पूरा दिनवा, अरे गजब विपत्तिया के मारो, अरे द्रौपदी के लाल लक्ष्मण रुते सुगनवा, अरे मरी गई ना तू नो दुलार, ए भैया धीरे धीरे समय बीतल है। आज जब धीरे धीरे समय बीतल तो द्रौपदी जी के कोख से पहली बिटिया तक बतौली है आप लोगों से मर चुकल बा, लेकिन भगवान धीरे धीरे उनके कोख से तीन बच्चा पैदा भइलन, दूठे बेटा एगो बेटी। भैया हो आखिरकार धीरे धीरे साल भर कोनो कोनो डेढ़ साल के बा, कोनो बिटिया जोन बा की 8-10 महीना के बा, भैया वो समय बीतत गई। लेकिन एक रोजा आखिरकार वो दोनों बच्चे बीमार पड़ते हैं और बीमारी से ग्रसित वो दोनों बच्चे मर जाते हैं। भैया हो आखिरकार द्रौपदी मुर्मू जी के ऊपर कितना बड़ा दुख, कितना तकलीफ झेल करके अपन जीवन संघर्ष कैले ही। कवि जी लिखत हो नागे भल का, द्रौपदी के पति श्याम चरण सजन आ दुनिया से चले भय फरार, द्रौपदी सोचत हैं कि चला हमार कोख में हमारे नसीब में हमारे अंश में ये बच्चा ना रहा,
ज्यादा जोन मालिक के मंजूर भल तुम भई बेकल, लेकिन अपने पति के देख करके हौसला बढ़ाती है, पति भी साथ देते हैं कि कोई बात नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तीन बच्चे हमारे चले गए, एक बच्ची है ना, हम लोग अपना जीवन बिता लेंगे इसी को लेकर के, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो पति अपने दुल्हन को समझा रहा है, बाबूजी कुछ ही दिन बीते, आखिरकार श्यामचरण मुर्मू जी इस दुनिया को छोड़ करके वो भी चले गए। दिखाए भैया, आखिरकार दुनिया में बहुत बड़ा दुख है, सब साला के हमारी के परेशानी बा, हमारी के दुख बा, हमारी संघर्ष कैले बानी, लेकिन ये हमारी भारत की बेटी इतना बड़ा संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते गई, रो रही है, बिलख रही है, परिवार के लोग, घर के लोग, रिश्तेदार सब लोग समझा बुझा रहे हैं कि बहनी तू रोवा मत, तसल्ली रखा सब मालिक हमन, पूरा दुनिया भैया उजड़ गई। आज जब दुनिया पूरा उजड़ गई है तो बिरहा में कभी जी यहां लिखत फोन तर लगल मोहन भैया कौन तर्जबा, बिरहा में यहां गीत लगल कौन हो, हमारो महीनवा दिनवा सावन के बिरहावा के अंदर कवि जी लिखत हुवन का बारे हमार मकर ध्वज गुरु जी क्या लिखते हैं, तो केहू जाने नहीं हो, केहू जाने नहीं विधाना कमार हो, समैया बनल बाउर जिंदगी, समैया बनल बाउर जिंदगी, भैया जेकर बगैचा जेकर सब कुछ खत्म हो गई बा, रोवत ही द्रौपदी जी कैसे, द्रौपदी सोचे दिन भरतिया आपन हरली नाही मतिया, घुसी गईली राजनीतिया मिलल विधायक के पदिया, समैया बनल बाउर जिंदगी, ए भैया अपने दुख तकलीफ के लेके रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे समय बीतल है, कुछ समाज सेवी लोग मिलन हौसला दे करके राजनीति में लाने का काम किए लोग। ए भैया जब राजनीति में लेलन लोग तो उड़ीसा प्रांत से भैया 5 साल विधायक रहली, विधायक बनके उड़ीसा के भैया सेवा के ली, लोगन के प्यार पौली, लोगन के प्यार दिली, लेकिन कभी जी लिखत हुन बिरहा के अंदर आगे बहिल का, अरे उजरा बकुल बिना, अरे पिपरा न सो है, अरे उजरा बकुल बिना, अरे पिपरा न सो है, कोयल बिना, अरे कोयल बिना बगिए न सो है राजा, कोयल बिना
भैया हो भिरावा में कवि जी लिखत हुन कितना सुंदर भाव बा आगे प्रगति विकास कौन के लिन ऐसे तब बनली गवर्नर अरे बनली गवर्नर अरे झारखंड राज्य सारिया नाचला मुंडा अरे नाचला मुंडा माझी हो या दिवासी नाचला मुंडा ए भैया इतने नाम झारखंड के बाबूजी द्रौपदी मुर्मू जी भैया हो गवर्नर बनकर के सेवा कैली आगे वाली लाइन में कवि जी लिखत हुन का अरे गुमला पलामू डंडी बगोतर अरे भुइया भुई फोड़ धरो अरे भुइया भुई फोड़ धरो उगली अजरिया नाचले मुंडा माझियो आदिवासी नाचले मुंडा माझियो आदिवासी क्या बात है बहुत अच्छे ए भैया ये दूसरी खुशी रहल द्रौपदी मुर्मू जी गवर्नर बन करके झारखंड की सेवा कर लगली है भैया आ सेवा करत करत लोगन के प्यार आशीर्वाद मिलल भगवान की कृपा हुई बाबूजी फल का बिरहा के अंदर कभी जी लिखते हैं कैसे तो बाबा साहब की बेटी द्रौपदी अरे बाबा साहब की बेटी द्रौपदी मुर्म महिमा बन गई चढ़ी शिखर की छोटी 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 कवि जी लिखत हुवन कि बाबा साहब की बेटी द्रौपदी अरे बाबा साहब की बेटी द्रौपदी मुर्म महिमा बन गई चढ़ी शिखर की चोटी भैया हो यह बाबा साहब की देन है यह बाबा साहब की देन है बाबा साहब ने वोट का जो अधिकार दिया और लोगों को चेतना दिए कि अपना वोट दे करके अपना खुद राजा बनाओ लेकिन भैया सिस्टम वो रहल कि राजा के रानी के पेट से भैया अगर चाहे लंगड़ जाए अनहर जाए कान है वह राजा बनी तो भैया हमरे भारत में चाहे जे जज बा कलेक्टर बा डीएम बा मास्टर बा जे कुछ भी बा प्रधानमंत्री बा मंत्री बा राज्य मंत्री बा सब हमारे बाबा साहब की देन है इसलिए कहना पड़ रहा है कि बाबा साहब की बेटी द्रौपदी बिरहा के अंदर कवि जी लिखत हुन लोगन का प्यार मिलल आशीर्वाद मिलल आज भैया द्रौपदी मुर्मू जी के सर पर ताज बांध करके राष्ट्रपति का पद दे करके उन्हें नवाजा गया उन्हें सौंपा गया बधाई देने का काम लोग कर रहे हैं बिरहा के अंदर कवि जी लिखत हुन पहपट में कैसे तो सन 22 और सन 22 25 जुलाई रविवार का दिनवा भारत देशवा में तो बनायल ताज राष्ट्रपति भवनवा भारत देशवा में
25 जुलाई 2022 रविवार दिन बाबूजी राष्ट्रपति का सेहरा बांध करके उन्हें नवाजा गया और हार्दिक शुभकामना लोग देते हैं। लेकिन कवि जी लिखत हुन विरह के अंदर का तो निडर निस्थान शान सावली सुरतिया हो अरे उच्च स्थान सबसे आदिवासी कपिटिया हो तो खुशी में झूमे धरती गगनवा भारत देशवा में तो 15 नंबर पे दीनल स्थलवा भारत देशवा में भैया हो कवि जी लिखत हुन 15वां नंबर पर आज राष्ट्रपति के पद पर उत्तराधिकारी का पद लेकर के बैठी हुई हैं, लोग स्वागत सम्मान कर रहे हैं। लेकिन धन्य है आप, धन्य आपका जीवन, धन्य आपका संघर्ष है। इतने संघर्षों के बाद जिसे कहानी सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि आप यहां तक नहीं पहुंच पाएंगी, सोचने की कोई बात नहीं है। लेकिन उनकी मेहनत आज कामयाबी लाई। बिरहा के अंदर कवि जी लिखत हुन आल्हा में कैसे सगरो संतत पहुंचे राष्ट्रपति के भवन भैया भैया सब ही जाके सांसद महोदय, मंत्री महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री महोदय सभी लोग जा करके भैया फूल माला पहना करके स्वागत लोग करत हुन। भैया हो जे भी खबर के सुनता आदिवासी परिवार में एगो खुशी का लहर छा गई। भैया जितने भी उनकर रिश्तेदार गांव के लोग भैया सब लोग ढोल बजा रहल बा, खुशी का लहर पूरे भारत में जोन बा छा गइल बा, सब पर मिजाज बनल बा कि वारे आदिवासी परिवार की बेटी भारत में सबसे उच्च स्थान मिला जिनको। द्रौपदी मुर्मू जी से लोगन का सवाल है, लोग कहत हुन एक ही आवाज का पगरी का पता का जगत में फारी क्या बात है, बहुत अच्छे जियो लाल
लोग आवाज लगावत हुन कि तू भारत की बिटिया हो और भारत के शान बान हो, ये लोगन का ध्यान रखिया। कभी जी लिखत हुन का तो सच्चा प्रहरी बन के करा देश के रखवारी हो, और तुहरा से जनता के उम्मीद बट भारी हो। तो ऐसा मौका नया हर घड़ी तुहरे कृति का पता कहो जगत में फारी। सबसे बड़ा पद भैया द्रौपदी मुर्मू जी के मिलल, और ये देश के आप अच्छा से रखवाली कर यार लोगन का ये दिल से कही आवाज बा। लेकिन सबके एक नाज बा, खुशी बा कि आदिवासी परिवार में एक बेटी एक नारी इतने मुकाम पे पहुंची, इतने बड़े मुकाम पर। कवि जी लिखते हैं भाव आखिरी लाइन में कैसे, गुरु गणेश गुरु रामलाल बच्चन खुशी मनावे, तो बिमल चंद्रिका कवि कैसा गगन में फूल बरसावे। तो बाबा साहब की बेटी द्रौपदी खाते मकर ध्वज संग प्रेम प्रेम की रोटी। बाबा साहब